Dear students, in our YouTube channel KS Classes, आज हम class 11th prose section के chapter 4th Landscape of the Soul, जिसके लेखक है नैथली ट्रावे राय. नैथली ट्रावे राय इज एन आर्ट हिस्टोरियन, कला के इतिहासकार थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 1975 एट ब्यूनस एयरस इन अर्जेंटीना. 2 फरवरी 1975 को ब्यूनस एयरस, जो अर्जेंटीना में है, पैदा हुई थी. हर ट्रांसलेशन एंड वर्क वॉज वेरी फेमस. इनके जो ट्रांसलेशन हुए कार्यों पर बहुत प्रसिद्ध हुए. सी लाइक्स पेंटिंग, और ये पेंटिंग को बहुत पसंद करती थी. देखते हैं इस लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल में क्या दिया. वो दाऊजी वाज ए मास्टर पेंटर ऑफ एंशियंट चाइना. वो दाऊजी प्राचीन चाइना के एक कुशल पेंटर थे. द क्लासिकल चाइनीज पेंटर्स डिड नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप. द क्लासिकल चाइनीज पेंटर्स, जो क्लासिकल चाइनीज पेंटर हैं, शास्त्रीय चीनी पेंटर हैं, डिड नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लैंडस्केप. लैंडस्केप का मतलब भूभाग. भूभाग की वास्तविक कॉपी को कभी भी वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, यथार्थ का चित्रण नहीं करना चाहते. इट वॉज कॉन्सेप्चुअल लैंडस्केप. ये एक वैचारिक भूभाग दैट दे वांटेड, जिसको वो चित्रित करना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर द यूरोपियन आर्टिस्ट ट्राई टू क्रिएट ए परफेक्ट इमिटेशन. जबकि जो यूरोप के जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, ट्राई टू क्रिएट ए परफेक्ट इमिटेशन, वो पूर्णतः भूभाग के दृश्य को क्रिएट करना चाहते थे. तो ये अंतर दोनों प्रकार के लैंडस्केप के प्रदर्शन में पाया जाता है, जो चाइनीज है और एशिया का. देखते हैं इस लेसन में इसी पेंटिंग के बारे में चित्रित किया गया है. जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें. अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर उ दाऊजी. अ वंडरफुल ओल्ड टेल, एक आश्चर्यजनक प्राचीन कहानी पेंटर उ दाऊजी के बारे में कही जाती है. Who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzang to decorate a palace wall. His last painting was a landscape. उनकी जो अंतिम painting थी, अंतिम चित्र था, वो था लैंडस्केप, एक प्राकृतिक भूभाग का दृश्य, जिसको कमीशन्ड बाई द टैंग एम्परर जुआनजांग, तंग एम्परर जुआनजांग ने आदेश दिया था बनाने के लिए, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, ताकि उसकी पेंटिंग से वो महल की दीवारों को सजाया जा सके. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. मास्टर ने, इस कलाकार ने, हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, अपने कार्य को एक स्क्रीन के पीछे छिपा करके रखा. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट.
ताकि केवल सम्राट ही से देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। फॉर ए लॉन्ग वाइल, एक लंबे समय तक सम्राट ने इस अद्भुत चित्र की, वंडरफुल सीन की एडमायर्ड, प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, खोज करने वाले जंगल, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स, बादल, फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, जो आसमान में फैले हुए थे। मैन आर हिली पाथ्स, मनुष्य भी थे इसमें, पथरीले मार्ग भी थे। बर्ड्स इन द फ्लाइट, उड़ती हुई चिड़िया। लुक सायर, सेड द पेंटर, देखो महाराज, चित्रकार बोला, शायर मीन्स महाराज, लुक सायर, सेड द पेंटर, महाराज ने बोला, महाराज देखो, पेंटर ने बोला। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की तली में एक गुफा थी, ड्वेले स्प्रिट, और इस गुफा में एक स्प्रिट रहती थी। चित्रकार ने कहा, महाराज देखो, इस पहाड़ के निचले सिरे में या पहाड़ के दामन में, गुफा में एक रहती थी स्प्रिट, आत्मा, परी कह लीजिए, एक परी रहती थी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से तालियां बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपेंड, और गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, गुफा के अंदर का दृश्य शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों से परे है, इतना सुंदर दृश्य जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, प्लीज लेट मी शो, कृपया मुझे देखने दो, योर मैजेस्टी द वे, महाराज मार्ग। द पेंटर इंटर्ड द केव, पेंटर ने गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। जैसे ही पेंटर ने उस गुफा में प्रवेश किया, प्रवेश द्वार वैसे ही बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और आश्चर्यचकित सम्राट हिल सकता या एक भी शब्द कह सकता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, इससे पहले ही पेंटिंग दीवाल से अदृश्य हो गई, गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ उडोजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, उडोजी के ब्रश का एक भी चिन्ह नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस आर्टिस्ट को इस संसार में कभी दोबारा नहीं देखा गया। चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, समझने के लिए पूरी कहानी को सुनेंगे, और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसी कहानियां प्राचीन चीनी शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनजी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जुंगजी की पुस्तकें ऐसी कहानियों से फुल ऑफ देम भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, वे गुरु को डिसाइपल माने शिष्य का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने में हेल्प करती थी। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, कहानी, इन कहानियों से परे, बियॉन्ड माने परे, एनेक्डोट्स मीन्स कहानी, स्टोरी विद इन स्टोरी,
इन कहानियों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। वे कला की भावना को व्यक्त करती थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी की तुलना करें और एनादर फेमस या किसी दूसरे प्रसिद्ध कहानी की, वन अबाउट ए पेंटर, एक ऐसे पेंटर के बारे में, चित्रकार के बारे में, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जिसने ड्रैगन की आँख को बनाने से, खींचने से मना कर दिया था। अपनी पेंटिंग में ड्रैगन की आँख को नहीं बनाया, आँख बनाने से मना कर दिया। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे भय था कि ये चित्र में से निकल कर उड़ जाएगी। अगर हम ड्रैगन की आँख को बनाएंगे तो ये चित्र में से निकल कर उड़ जाएगी। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्राम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मेरे नेटिव फ्लैंडर्स, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरे देश फ्लैंडर्स की कहानियाँ, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। मेरे देश फ्लैंडर्स की जो पुरानी कहानी के साथ, आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिनको मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पाश्चात्य कला का प्रतीक मानता हूँ, उसकी तुलना की जाती है। इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटीवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेटसिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में, स्थान का नाम है एंटवर्प, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेटसिस, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, मास्टर उत्कृष्ट, एक उत्कृष्ट लोहार जिसका नाम था क्विंटन मेटसिस, फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर, उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को पिता अपना सन इन लॉ नहीं बनाना चाहता था, अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इन टू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्विंटन स्नीक्ड इन टू, चोरी से प्रवेश कर गया पेंटर के स्टूडियो में, एंड पेंटेड फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जो उसका लेटेस्ट ताज़ा चित्रपट था उस पर जो पेंटिंग लगी हुई थी, पेंटेड फ्लाई, एक मक्खी को पेंट कर दिया। चित्रपट पर लगे चित्र में उसने चोरी से घुस करके एक मक्खी बना दी। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, इतनी सूक्ष्म यथार्थवाद के साथ उस मक्खी के चित्र को बनाया, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे, कि मास्टर ने, उस उत्कृष्ट कलाकार ने उसे मारने का प्रयत्न किया, ट्राई टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड। अरे उसे एहसास ही नहीं हुआ, जब उसे एहसास हुआ उससे पहले उसे मक्खी को मारने का प्रयास किया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उस रियलाइज कर लिया, समझ गया कि क्या हुआ है। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस, क्विंटन का उसी समय एक अप्रेंटिस के रूप में, एक शिष्य के रूप में उसके स्टूडियो में प्रवेश दिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, उसका विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया, वन ऑफ द मोस्ट पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो अपने युग का एक प्रसिद्ध चित्रकार बना।
दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप में अ परफेक्ट इल्यूजनिक लाइकनेस, एक पूर्ण मायावी सदृश, एंड स्पिरिट इन एशिया, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, और एशिया में एसेंस ऑफ इनर लाइफ, आंतरिक जीवन का तत्व, एंड स्पिरिट और आत्मा का तत्व प्राप्त करना चाहती है। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की कहानी में, द एम्परर कमीशन्स ए पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स अदर आउटर अपीयरेंस। चाइना की कहानी में सम्राट ने एक पेंटर को आदेश दिया, कमीशन से पेंटिंग, एक चित्र बनाने का आदेश दिया, एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, परंतु कलाकार, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, परंतु कलाकार उसमें अपनी कला का, अपनी कृति का सही अर्थ प्रकट करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी, सम्राट शासन कर सकता है उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में, ही हैज कॉन्कर्ड, जिसको उसने जीता है, जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, एक सम्राट उस क्षेत्र में विजय शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन कलाकार उसके अंदर के हिस्से को तो कलाकार ही जानता है, कला के अंदर के हिस्से को तो एक कलाकार ही जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे वो मार्ग दिखाने दो, लेट मी शो द वे, ये नाम है एक बुक का, द दाऊ, अ वर्ड दैट मीन्स, लेट मी शो द वे में वे शब्द का अर्थ रास्ता भी है। That means both the path or the method, दोनों अर्थ है, रास्ता भी और तरीका भी, and the mysterious world, the universe, और ब्रह्मांड का रहस्य भी। दाऊ के अनुसार वे शब्द का अर्थ है दोनों, रास्ता और तरीका, और इस ब्रह्मांड का mysterious work, रहस्यमय कार्य भी है। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली जाती है, लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन चित्रकार अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो किसी भी भौतिक प्रतीति से अलग होती है। आज के लिए इतना ही, शेष हिस्सा हम अगले वीडियो में जल्दी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट।